हाई एवरी वन वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम आपके साथ में चावल की खीर और काबुली चने के छोले की रेसिपी साथ में शेयर करने वाले हैं ये दोनों ही रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होती है सबसे पहले हम बनाना शुरू करेंगे यम्मी सी चावल की खीर को तो चलिए फटाफट बनाना शुरू किया जाए चावल की खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम चावल ले रखा है इस खीर को बनाने के लिए आप किसी भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम चावल को तीन से चार बार साफ पानी से वॉश कर लेंगे इसे वॉश करने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए रखेंगे सोख होने के लिए चावल को धुलने के बाद आप इसे कम से कम 15 मिनट के लिए जरूर रखें सोख होने के लिए ताकि ये फूल करके अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और ये लीजिए चावल फूल करके अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं अब ये खीर बनाने के लिए तैयार है अब हम खीर को बनाना शुरू करेंगे खीर बनाने के लिए हमने एक लीटर फुल क्रीम दूध को हाई फ्लेम पर रख दिया है गर्म होने के लिए दूध में एक उबाल आने वाला है गैस की फ्लेम को हम लो पे कर देंगे और भिगोए हुए भी चावल को हम दूध में ऐड करेंगे चावल को दूध में डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो पे रख के खीर को हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे खीर को हमें जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है हम इसे धीमी आंच में गाढ़ा होने तक पकाएंगे यदि हम खीर को जल्दीबाजी में हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो चावल अच्छे से नहीं पक पाता है और खीर भी खाने में टेस्टी नहीं होती है और गाढ़ी भी नहीं बन पाती है कुछ लोग इसमें पके हुए चावल को ऐड करते हैं खीर बनाने के लिए इससे खीर खाने में टेस्टी नहीं लगती है जब हम चावल को दूध के साथ में पका हैं, तो खीर बहुत ही अच्छी और टेस्टी बन के तैयार होती है चावल यहाँ पर 80 परसेंट तक लगभग कुक हो चुके हैं अभी हम इसे 5 मिनट तक धीमी आँच में और पकाएंगे खीर को धीमी आँच में पकते हुए 5 मिनट हो गया है खीर काफी गाढ़ी हो चुकी है अब हम खीर को मीठा करने के लिए इसमें चीनी ऐड करेंगे चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी जैसा मीठा आप पसंद करते हों चीनी को हम खीर में लास्ट में ऐड करेंगे जब चावल अच्छे से पक जाएगा यदि हम चीनी को पहले से डाल देंगे खीर में तो चावल अच्छे से नहीं पक पाएगा ये जरूरी पॉइंट है चावल की खीर बनाते समय इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा चीनी डालने के बाद खीर हमारी एक बार फिर से पतली होगी तो हम इसे धीमी आंच में बराबर चलाते हुए गाढ़ा होने तक फिर से पका लेंगे इस खीर को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे किशमिश चिरौंजी, गरी और काजू बादाम आप अपनी पसंद के इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद इन्हें हम चलाते हुए दो से तीन मिनट तक धीमी आँच में और पका लेंगे खीर को पकाते हुए धीमी आँच में लगभग हमें तीन मिनट हो गया है और ये खीर काफी ठीक हो गई है अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस खीर को और भी शाही और रिच बनाने के लिए इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे इलायची पाउडर को हम खीर में लास्ट में ऐड करेंगे इससे इलायची की खुशबू देर तक खीर में बनी रहती है और खीर भी खाने में टेस्टी आती है खीर अभी काफी गर्म है अभी इसको हम रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए जब ये ठंडी हो जाएगी तो और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी और ये लीजिए चावल की यम्मी सी खीर बनके तैयार हो चुकी है खाने के लिए खीर को सर्व करने के बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे कटे हुए काजू बादाम और पिस्ता से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं इस खीर को अपने बच्चों को बनाकर खिलाइए बच्चों को तो खीर पूड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद होती है जब आप खीर को इस तरीके से बनाएंगे तो घर में ये खीर सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी अब हम बनाना शुरू करेंगे टेस्टी से कावली चने के छोले तो चलिए फटाफट छोले की रेसिपी शुरू की जाए कावली चने के छोले बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम काबली चने ले रखे हैं इसे हमने रात भर के लिए सोक कर दिया था और ये अच्छे से फूल करके क्वांटिटी में डबल हो गए हैं आप इसे रात भर के लिए ज़रूर भिगो दीजिएगा ताकि ये अच्छे से फूल करके सॉफ्ट हो जाएं अब हम इसे बॉयल करेंगे तो बॉयल करने के लिए आज हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करने वाले हैं हम चने को प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसमें हम दो ग्लास के लगभग पानी ऐड कर देंगे पानी हमें इतना डालना है कि छोले अच्छे पानी में भीगे रहे वन टीस्पून नमक डाल देंगे नमक डालने से छोले बहुत ही जल्दी से गल जाएंगे हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ले रखे हैं। एक चक्र फूल छोटी इलायची चार पांच काली मिर्च और तीन लौंग हम इन मसालों की एक पोटली बनाएंगे पोटली बनाने के लिए हमने यहाँ पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है आप कोई सूती कपड़े या फिर रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे हम छोले में डाल देंगे इससे इन मसालों का फ्लेवर छोले में चला जाएगा अब हम छोले को पाँच सीटी आने तक बॉयल कर लेंगे और ये लीजिए छोले अच्छे से बॉयल हो गए हैं कुकर अच्छे से ठंडा हो गया है छोले अच्छे से बॉयल हुए हैं कि नहीं इसे हम हाथों से मैश करके देखेंगे तो यहाँ पर छोले बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और जो हमने मसालों की पोटली डाली थी इसे हम छोले से निकाल करके बाहर कर कर देंगे मसालों का फ्लेवर छोले के अंदर अच्छे से चला गया है तो अब हम छोले बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले हम छोला बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हमने पांच बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं वन टी जीरा डाल देंगे और जीरे को हम चटकने देंगे जीरा हो चुका है चार बड़े साइज के प्याज डाल देंगे कटे हुए प्याज को हमने एकदम महीन काटा हुआ है प्याज को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे प्याज को हल्का सा रोस्ट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन की कुछ कलियां कुटी हुई और एक घाट अदरक डालेंगे कुटा हुआ और टेस्ट के अकॉर्डिंग दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे इन सारी चीज़ों को प्याज के साथ में चलाते हुए कलर चेंज होने तक भून लेंगे प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है अब हम इसमें ऐड करेंगे दो पीसे हुए टमाटर टमाटर पूरी तरह से ऑप्शनल है पर डालेंगे तो छोले में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इसे चलाते हुए हम प्याज के साथ में मिला देंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले हम इसमें ऐड करेंगे वन टी हल्दी पाउडर वन टीस्पून जाएगा इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ये तीखी नहीं होती इसका इस्तेमाल हम छोले में रंग के लिए कर रहे हैं यदि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं वन टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे और सारे मसालों को चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे हमने सारे मसालों को प्याज के साथ में अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें ऐड कर देंगे दो तेज पत्ते तेज पत्ता डालने के बाद इसे भी हम मसालों के साथ में हाई फ्लेम पर चलाते हुए दो से तीन मिनट तक भून लेंगे मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए छोले को छोले को डालने के बाद इसे भी हम चलाते हुए मसाले के साथ में अच्छे से मिला लेंगे हमने छोले को मसालों के साथ में अच्छे से मिला दिया है अब हम इसमें ऐड कर देंगे डेढ़ ग्लास के लगभग पानी पानी डालने के बाद इसे हम चलाते हुए एक बार फिर से मिला देंगे और मिलाने के बाद इसे हम ढक कर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए पाँच मिनट के लिए अब हम इसे ढक देते हैं पाँच मिनट के लिए पकने के लिए पाँच मिनट के बाद इसे हम चेक कर लेंगे छोले को पकते हुए पाँच मिनट हो गया है ढक्कन को हटा करके हम चेक कर लेंगे और ये छोले पक के तैयार हो चुके हैं इसे हम चलाते हुए मिला देंगे एक बड़ा चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे गरम मसाले को भी हम चलाते हुए मिला देंगे गरम मसाले को हम छोले में लास्ट में ऐड करेंगे इससे छोले में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी हम चलाते हुए मिला देंगे गैस को ऑफ कर देंगे और छोले को हम सर्व कर लेंगे अब और ये लीजिए टेस्टी से कावली चने के छोले बन के तैयार हैं खाने के लिए थोड़ा सा इसे हम हरा धनिया से गार्निश कर देंगे चावल की खीर और छोले की रेसिपी दोस्तों यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल में नए मेहमान हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही दोस्तों यदि आपको हमारी रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास ही में बने आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा मैं फिर से मिलती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू